दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन लगभग सभी लोग करना चाहते हैं और आप सभी को यह तो पता ही होगा कि शरीर में से वीर्य के निकलने पर शरीर में कितना बड़ा दुष्प्रभाव आता है। लेकिन पता नहीं आखिर ये ब्रह्मचर्य नाश करने का मन ही क्यों करता है। वीर्य संरक्षण की बहुत कोशिश की लेकिन 5-10 दिन के बाद वही पुराना हाल, फिर से हो गया ब्रह्मचर्य नाश, बार बार होता ही जा रहा है। रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन गंदे विचार आ ही जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा कि ब्रह्मचर्य नाश करने का भला मन क्यों करता है और आप भी कुसंस्कार कुविचारों से उभर कर जीवन को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन से स्वयं में शक्ति स्फूर्ति और उत्साह भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको स्वयं के द्वारा किए गए स्वयं के शोषण से बचाएगी। आखिर कौन नहीं चाहता कि वह भी ब्रह्मचर्य के तप से वीर्य को शरीर से निकलने से बचाकर शरीर में खपाए, ऊर्ध्वरेता होकर महान बल शक्ति और पराक्रम को प्राप्त करे। लेकिन आज का युवा भटका हुआ है, चारों तरफ फोन फिल्म नाटकों स्कूल कॉलेजों में हर जगह विषय वासना का माहौल बना हुआ है। पर मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ देगी। ब्रह्मचर्य नाश या वीर्य के निकल जाने के कारणों को जानकर ही आप उन्हें दूर कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर को किसी बीमारी का जो रूट कॉज है, जो असली कारण है, वो ही नहीं पता हो तो वह डॉक्टर आपको भला क्या दवाई देगा। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आप जानेंगे कि ब्रह्मचर्य नाश के कारण क्या है जिनसे आपका ब्रह्मचर्य नाश करने का मन करता है। तो चलिए जानते हैं। देखो दोस्त, पहली बात तो ये कि ये जो मन है ना, जड़ वस्तु है। आसान भाषा में समझे तो हमारा मन एक नॉन लिविंग थिंग है जो प्रकृति या नेचर से मिलकर बना है। जिस तरह ये शरीर प्रकृति से मिलकर बना है, उसी तरह से मन भी बना है। तो ये खुद तो भागेगा नहीं। अब कई लोग कहेंगे कि भाई साहब, बस ये मन काबू में आ जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मन ही हमारे वश में होगा तो ब्रह्मचर्य नाश क्यों ही करेंगे। लेकिन दोस्त, वास्तविकता ये है कि आपको अपने मन का सही प्रयोग ही करना नहीं आता। बस जो मन में आए किए जा रहे हैं। हस्तमैथुन का मन किया तो कर लिया, किसी लड़की को देखने का मन किया तो देख लिया, जब मन करा सो गए और जब मन करा तो नेट पर गंदी अश्लील वीडियो में फंस गए। अगर आप अपने मन को नियंत्रण में करना चाहते हो तो आपको अपनी प्राण या ब्रीदिंग को कंट्रोल करना होगा। अपनी प्राण शक्ति पर आपको नियंत्रण पाना होगा, जिसके लिए आपको 3 प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करना है। शुरुआत में 3-3 बार से शुरू करना है, वो भी खाली पेट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है। आभ्यंतर प्राणायाम में आपको अपनी श्वास को पूरा अंदर लेकर अंदर ही जब तक रोके रखना है और जब न रोक पाए तो फिर छोड़ देना है। बाह्य प्राणायाम में श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर ही रोक देना है और जब रोक न पाए तो श्वास अंदर लेनी है। वहीं स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में नॉर्मल ब्रीदिंग में जहां के तहां श्वास चल रही है, श्वास को वहीं यथाशक्ति अनुसार रोके रखना है और जब श्वास न रोक पाए तो वापिस सामान्य श्वास लेनी है। लेकिन अब भी आप यही बात सोच रहे होंगे कि मन ही क्यों करता है ब्रह्मचर्य नाश करने का। जब मन ही नहीं करेगा वीर्य निकालने का तो ये सब करने की भला क्या जरूरत। तो पहला कारण तो यही है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए मन में गलत विचार आते हैं और ये विचार आप खुद उठाते हैं। वैसे कई कारण है जिससे मन नियंत्रण में नहीं आता और ब्रह्मचर्य नाश का मन करने लगता है। चलिए एक एक करके ऋषियों द्वारा बताए गए मुख्य कारणों पर गौर देते हैं, उन्हें जानते हैं जिन्हें आपको दूर करना है। पहला, किसी स्त्री को अपनी बहन या माँ की नजर से देखने के बजाय गंदी नजर से देखना। दूसरा, कुसंगति यानी ऐसे लोगों के बीच में रहना जो लड़कियों पर भद्दी टिप्पणियां करते हैं। तीसरा, खुद भी लड़कियों के विषय में उनकी सुंदरता और श्रृंगार के विषय में सोचना जिससे उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है और मन में गंदे विचार आते हैं। चौथा, लड़कियों के साथ खेलना जिससे कई बार गलत स्पर्श भी हो जाता है व गलत विचार आते हैं। पांचवा, लड़कियों से निरर्थक लंबी लंबी बातें करना व उनसे एकांत में मिलना, गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस जाना। छठा,
गंदी अश्लील वीडियोस देखना व सोशल मीडिया पर छोटी छोटी असभ्य गंदी रील्स वीडियोस पर ध्यान देना, जिससे व्यक्ति के मन व चित्त में मलिनता आती है और व्यक्ति की वासनाएं भड़कती है। फिर वह बढ़ती हुई विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए हस्त मैथुन आदि कुचेष्टाएं कर बैठता है। सातवां, अच्छा सात्विक आहार लेने के बजाय खूब चटपटा मसालेदार बासी पैकेट बंद बाहर का राजसिक तामसिक आहार खाना, जिससे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है और शरीर पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने से मन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मन भी चंचल हो जाता है, विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए शुद्ध शाकाहारी सात्विक आहार व देसी गाय के अमृत तुल्य दूध दही घी का प्रयोग कीजिए, जिससे आप नाइटफॉल और धातु विकारों से बचे रहेंगे और कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। आपके शरीर में अपूर्व शक्ति स्फूर्ति व बल प्राप्त होगा। आठवां, व्यायाम न करना व रात को लेट सोना फिर सुबह लेट उठना। नौवां, अच्छी प्रेरणादायक ब्रह्मचर्य व क्रांतिकारियों की पुस्तकों को पढ़ने के बजाय गंदी नॉवेल्स और फोन अखबारों में गंदे अश्लील चलचित्रों को देखना। दसवां, सुबह जल्दी उठकर ईश्वर की उपासना व प्रतिदिन अष्टांग योग का पालन करने के बजाय विषय वासनाओं दुर्व्यसनों में लिप्त रहना। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है कि जब तक आपके मन या चित्त में जो कुसंस्कार व मलिनता है, यानी जो गंदे विचार गंदी अश्लील स्मृतियां या गंदी मेमोरीज है, वो जब तक खत्म नहीं होंगी, तब तक आपका ब्रह्मचर्य नाश करने का मन करता ही रहेगा। क्योंकि इन कुसंस्कारों और अश्लील असभ्य स्मृतियों से मन में गंदे विचार आएंगे, जिसके लिए आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा। चंचलता को खत्म कर एकाग्रता लानी ही होगी। गंदे विचारों को खत्म कर सुविचार लाने पड़ेंगे, ताकि आप अपने मन में जैसे चाहे वैसे सात्विक विचार उठा सके। इसलिए ऋषियों द्वारा जो कुछ नियम बताए गए हैं, आपको उनका दृढ़ता पूर्वक पूर्ण निष्ठा और उत्साह के साथ पालन करना है, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे और अपने जीवन को हमारे ऋषि मुनियों महापुरुषों की तरह ब्रह्मचर्य के तप वाला बना पाएंगे। तो अंतिम में यही कहूंगा, मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन साना और कोई शत्रु हुड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अडंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठोती में ही गंगा है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अगर आप मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो महर्षि पतंजलि जी का अष्टांग योग या उपासना योग भी जरूर कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो अच्छा और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों को भी ब्रह्मचर्य का महत्व और माइंड कंट्रोल के विज्ञान का पता चले, वो भी इससे लाभ लेवें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाइए। तो चलिए मिलेंगे फिर से खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, हर हर महादेव।